और अभी मैंने ये चना दाल लिया है थोड़ा सा। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 के बस अड्डे में। अरे ऋषिकेश के लिए या देहरादून के लिए जा रही है आगे? अच्छा, और अभी उन्होंने बताया कि 17 नंबर पे जो है गाड़ी लगी हुई है, क्योंकि अभी 5 बजे का समय, इसलिए यहाँ जो है बस स्टैंड खाली खाली नज़र आ रहा है। और नाश्ते में कुछ हल्का तो यहाँ पे मिला नहीं, तो इसलिए मुझे जो है पराठे ही लेने पड़े। दोस्तों नमस्कार, शुभ दोपहर, कैसे आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी मैं हूँ ऋषिकेश बस स्टैंड पे, और किसी काम से आज मुझे जाना है चंडीगढ़, और अभी 12 बजे की मेरी बस है जो कि यहाँ से जाएगी उत्तराखंड रोडवेज की चंडीगढ़, और लगभग मुझे 6 या 7 बजे चंडीगढ़ पहुंचा देगी। ये मेरी बस है, चंडीगढ़ बाय अम्बाला से होके जाएगी। तो बीच में यदि मुझे कहीं समय मिलता है, गाड़ी रुकती है, तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा। ये आप देखिए चारों तरफ के नज़ारे, ऋषिकेश बस स्टैंड से चारों तरफ कितनी सुंदर ये पहाड़ियां हैं। और अभी हमें निकले हुए हो गया 1 घंटा, और अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार के पास अभी हम लगभग अभी 5 घंटे हमने और इसी बस में सफर करना होगा, और अभी हमें निकले हुए 1.5 घंटा हो गया है, और अभी हम पहुंच चुके हैं रुड़की। और यहाँ पे अभी लगा था जाम, इसलिए जो है गर्मी से बहुत बुरे हालत हो गए हैं। देखिए पसीना पसीना पूरे शरीर में, इतनी गर्मी है, क्योंकि हम पहाड़ों के रहने वाले हैं और यहाँ शहरों की गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं होती है। आप देखिए आगे कितना भयंकर यहाँ जाम लगा हुआ है। 15 मिनट हमें बस में हो गए हैं, और ये बस जो है केंचुए की तरह सरक रही है, क्योंकि आगे बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। और अभी रुड़की डिपो वहाँ पे बस रुकी थी 2 मिनट के लिए, और यहाँ से फिर अभी प्रस्थान कर चुकी है अपने गंतव्य के लिए। कितनी मिनट? पानी लो, ठंडा पानी लो, पानी लो। पानी लो, कोल्ड ड्रिंक लो, पानी लो। और अभी हम सहारनपुर पहुंच चुके हैं, और अभी मैंने ये चना दाल लिया है थोड़ा सा। अभी ये बहुत सारे जो है सामान बेचने वाले गाड़ी में गए, और कोई चना बेच रहा है, कोई कुछ कोई कुछ। अभी मैंने ये नींबू चना लिया है। अभी हम पहुंच चुके हैं जगात्री, यहाँ पर बस रुकी है, यहाँ पर चाय नाश्ता जिसको भी कुछ करना है वो कर सकते हैं, और मुझे भी थोड़ा बहुत भूख लगी है, और मैं भी थोड़ा कुछ हल्का फुल्का नाश्ता यहाँ पर लूँगा अभी। और अभी पहुंच चुके हैं अम्बाला, अम्बाला कैंट, और अम्बाला कैंट से अभी हम आगे के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और अभी प्रवेश कर चुके हैं हम चंडीगढ़ में, अभी हम हैं मोहाली जीरकपुर में। बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस सिटी को मेंटेन किया गया है, बनाया गया है, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंगें, दुकानें, मॉल्स, बहुत अच्छी तरह से ये सिटी जो है, और बहुत सुंदर मॉडर्न सिटी जिसको बोलेंगे,
बना रखी है। और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर सारा केंद्र से संचालित होता है। और बहुत सुंदर तरीके से शहर को सजाया गया है, बहुत साफ सफाई का यहाँ पे विशेष ध्यान रखा गया है। और किसी भी शहर या प्रदेश या जगह की साफ स्वच्छता वहाँ के लोगों पर निर्भर करती है, वहाँ के रहने वाले लोगों पर। आप और हम जहाँ भी जाएं स्वच्छता रखें, नियमों का उल्लंघन न करें, गंदगी न करें, तो इस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 के बस अड्डे में, और अभी अभी हम उत्तराखंड रोडवेज की बस से उतरे हैं, और इसके बाद हमें जाना है सेक्टर 16। तो यहाँ से हमें अभी ऑटो लेना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं 4 बजे उठ गया था कल रात को, किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं कुछ किसी काम से आया था। रात को काफ़ी बिजी शेड्यूल था, और अभी मुझे निकलना है सेक्टर 17 के बस अड्डे के लिए, क्योंकि वहीं से मुझे ऋषिकेश के लिए बस पकड़नी है। और जितनी जल्दी मैं यहाँ से निकलूँगा उतनी जल्दी ही मुझे ऋषिकेश पहुँचने में आसानी होगी, और फिर ऋषिकेश से घनसाली के लिए रोडवेज या कोई अन्य बस मुझे मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं हूँ सेक्टर 16 में, और मुझे 17 के लिए निकलना है, और वहाँ से बस पकड़नी है। इसके बाद मिलते हैं 17 के बस अड्डे पर। और अभी पहुँच गया हूँ मैं 17 के बस स्टैंड पे, और अभी अंदर जाके इंक्वायरी करता हूँ बस के कौन जाएगी ऋषिकेश या देहरादून। इस तरफ चलता हूँ, इस तरफ बस दिख रही है। अभी 5 बजे का समय, इसलिए यहाँ जो है बस स्टैंड खाली खाली नज़र आ रहा है, बहुत कम लोग भीड़ भाड़ दिख रही है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी। तो अभी इंक्वायरी की तरफ चलता हूँ। अभी अभी मैंने यहाँ पर पूछा है किसी को, तो उन्होंने बोला कि ऋषिकेश है देहरादून के लिए आपको पिछली तरफ जाना होगा। ऋषिकेश के लिए या देहरादून के लिए गाड़ी आगे नंबर? अच्छा, और अभी उन्होंने बताया कि 17 नंबर पर जो है गाड़ी लगी हुई है, तो मैं चलता हूँ 17 नंबर की। और 19, 18 और ये रहा आपका 17, ये हरियाणा डिपो की बस लगी हुई है यहाँ पे, हरियाणा झज्जर। और अभी मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ, एक या दो सवारी बस में, लगभग 10 मिनट अभी इसको चलने में। और अभी ये बस जो है यहाँ से निकलने लगी है, निकल चुके हैं चंडीगढ़ 17 से सहारनपुर के लिए। अभी बस अड्डे के अंदर ही बस है, बाहर के लिए निकल रही है। चंडीगढ़ बहुत सुंदर और स्मार्ट सिटी है, मुझे कई बार यहाँ आना जाना होता है, लेकिन जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पर मिलती है, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी, साफ सफाई सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन होता है। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं, मेन रोड पे बस आ गई है सहारनपुर के लिए।
दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ फिर कल वाली ही जगह पे, जगाधरी बेट, जहाँ पे कल शाम को चाय नाश्ता किया था। आज अभी वापस चंडीगढ़ से उसी जगह पे मैं पहुँच गया हूँ और अभी यहाँ पे करता हूँ कुछ नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता। और नाश्ते में कुछ हल्का तो यहाँ पे मिला नहीं, तो इसलिए मुझे जो है पराठे ही लेने पड़े। पराठा है, दाल है और दही है। हेलो दोस्तों, 11:30 बज चुके हैं और फाइनली अभी मैं पहुँच चुका हूँ देहरादून ISBT बस स्टैंड पे। और अभी मुझे जाना है रोडवेज बस स्टैंड रेलवे स्टेशन, और फिर मुझे अभी यहाँ से दोबारा ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा। आज पहले चंडीगढ़ से मुझे सहारनपुर आना पड़ा, सहारनपुर के बाद फिर देहरादून, और देहरादून से अभी मुझे जाना है रेलवे स्टेशन, वहाँ से उत्तराखंड रोडवेज के बस स्टैंड से मुझे जाना है, उसके बाद घनसाली।